हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा, एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पीथियम। ओके, सो पीथियम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमने आगे फंगस पढ़ी है। ठीक है, इससे पहले कि हमने जितनी भी फंगस पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल हमने सिनकाइट्रियम पढ़ लिया है, सेप्रोलेग्निया पढ़ लिया है, फाइटोप्थोरा पढ़ा है, फाइजेरम पढ़ा है, सो जितने इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ साइकिल थी उतनी ही इम्पोर्टेंट पीथियम की भी लाइफ साइकिल है। इट डजंट मैटर कि आप ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स में हैं या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि पीथियम सिर्फ पर्टिकुलर, जैसे कॉलेज के बच्चे सोचते हैं सिर्फ कॉलेज में आ गए तो ठीक है कि अब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीथियम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पीथियम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉलेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीथियम की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीथियम कॉजेज एन हार्मफुल डिजीज। ठीक है, पीथियम भी एक बहुत हार्मफुल डिजीज कॉज करता है लाइक अदर फंगस, तो इसकी लाइफ साइकिल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आगे अदर फंगस की है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पीथियम की लाइफ साइकिल को। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट वेन एवर आई विल अपलोड अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। ओके, यू विल बी नोटिफाइड। सो स्टार्ट करते हैं पीथियम की लाइफ साइकिल। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम है, पीथियम क्या करता है। मेनली पीथियम कॉजेज द डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा कि पीथियम कौन सी डिजीज कॉज करता है। पीथियम कॉजेज डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग, यानी कि जो सीडलिंग होता है, सीडलिंग मीन्स जो सीड से निकल जस्ट निकला हुआ जो प्लांट का हमारा पार्ट होता है जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं, वो क्या होता है जो सीड से निकलता है। ठीक है, सीडलिंग जो होता है उसका क्या हो जाता है, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, वो प्लांट वहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, उसकी सीडलिंग क्या होती है, प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो सीडलिंग वहीं पे ही डाई ऑफ हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है, वो पीथियम फंगस की वजह से होता है। सो आप देख रहे हैं ना कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी हार्मफुल फंगस है पीथियम। सो ये जो यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम जो दिखाया है ऊपर वाला, तो इसमें क्या है, ये जो सीडलिंग है ये क्या हो गया, डेड हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कि ये सीडलिंग है इस पे किसका इन्फेक्शन हो गया, पीथियम फंगस ने इन्फेक्शन कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, इतना पार्ट, तो इसमें क्या है, पीथियम का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्लांट क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसके करेक्टर्स पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसका देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। किसी भी फंगस के बारे में आप लिख रहे हैं या फिर कोई एल्गी के बारे में आप लिख रहे हैं या टेरिडोफाइट के बारे में, इधर जिम्नोस्पर्म के बारे में या एंजियोस्पर्म के बारे में, किसी भी प्लांट के बारे में अगर आप कुछ पॉइंट अगर बता रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में, तो सबसे पहली चीज है आप क्या करें, उसका सिस्टमेटिक पोजिशन बताएं। ठीक है, कि उसका क्या पोजिशन है प्लांट वर्ल्ड में। ठीक है, अब वो उसका सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे, देन उसके कुछ कैरेक्टर्स बताएंगे कि वो कितनी स्पीसीज है, कहाँ ग्रो करती है, क्या डिजीज कॉज करती है, फिर उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बताएंगे, देन उसके बाद आप जम करेंगे उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी प्लांट को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर आप अपने फंगस को डिस्क्राइब करेंगे एग्जामिनेशन में, अपने एग्जाम पेपर में, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन मिस्टिगो माइकोटीना, क्लास उमाइसिड्स, ऑर्डर प्रूनोस्पोरेल्स, फैमिली पीथीएसी एंड जीनस पीथियम। ओके, द जीनियस पीथियम इज रिप्रेजेंटेड बाय 92 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, मेनी स्पीसीज अकर एज सेप्रोफाइट इन वाटर, सॉइल और ऑन डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, अदर आर पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो जो पीथियम की जो स्पीसीज है वो क्या करती है, वो एज अ सेप्रोफाइट भी ग्रो करती है एंड एज अ पैरासाइट भी ग्रो करती है। ओके, सो कुछ कॉमन स्पीसीज जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई है वो है पीथियम डिब्रेनियानम,
विच कॉजेज डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीथियम डेब्रियानम क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग करता है। डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग इन टोमेटो हम कॉमनली देख सकते हैं अपने आसपास कि टोमेटो की जो सीडलिंग होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको ये फोटोग्राफ लगाया हुआ है ये डैम्पिंग ऑफ का ही एग्जाम्पल है। आप इसमें फोटोग्राफ में देख के इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ए वाले पार्ट में कंप्लीट प्लांट हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में प्लांट ऐसे डेवलप होना चाहिए, बट जब पीथियम का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें तो ये क्या होता है, जस्ट रूट से ऊपर क्या होने लग जाता है पीथियम के इन्फेक्शन की वजह से, ये जो प्लांट का जो शूट होती है, शूट वाला पार्ट होता है, वो क्या होने लग जाता है, कंस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट होने लग जाएगा तो यानी कि सिकुड़ने लग गया है, कंस्ट्रिक्ट यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन हो गया, और वो फंगस इन्फेक्शन क्या होगा, धीरे 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 पूरा ऊपर तक बढ़ते जाएगा। अब धीरे धीरे प्लांट क्या हो रहा है, प्लांट का स्टेम कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, प्लांट स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो यही है क्या, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग, जो सीडलिंग है वो डैम्प ऑफ हो गई है, वो किसकी वजह से हो रही है, पीथियम फंगस की वजह से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली जो फंगस है उसमें हम जिसको सबसे पहली फंगस जो हम पढ़ रहे हैं वो है पीथियम डेब्रियानम। ठीक है, जो क्या करती है, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग करती है। नेक्स्ट जो है पीथियम एफनीडर्मेटम, इट कॉजेस फ्रूट रॉट डिजीज ऑफ कुकरबिट्स एंड डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग। ठीक है, पीथियम ग्रैमिनिकोलम, सॉरी यहाँ पे ये जी कैपिटल हो गया, आप इसको स्मॉल कर लेना, स्पीसी जीनस और स्पीसीज का नेम आपको लिखने का तरीका तो पता होगा ना। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे आप जी स्मॉल कर लेना। पीथियम ग्रैमिनिकोलम कॉजेज फुट रॉट ऑफ वीट। ठीक है, तो ये सब क्या है, जनरली पीथियम क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग कॉज करता है। ठीक है, तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, पीथियम की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में आता है पीथियम डेब्रियानम इज अ वेल नोन स्पीसीज कॉजिंग डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग इन टोमेटो, टबैको, मस्टर्ड एंड चिली। ये हमें पता है कि पीथियम डेब्रियानम क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग डिजीज कॉज करता है, टबैको में भी करता है, टोमेटो में भी करता है, मस्टर्ड एंड चिलीज में भी करता है। डैम्पिंग ऑफ अकर इन टू स्टेजेस, दो स्टेजेस में डैम्पिंग ऑफ हो सकती है सीडलिंग की। पहला है प्री इमर्जेंस फेज एंड दूसरा है पोस्ट इमर्जेंस फेज। ठीक है, प्री इमर्जेंट फेज में क्या होगा, इन द प्री इमर्जेंट फेज ऑफ डिजीज द सीडलिंग आर किल्ड बिफोर रीचिंग द सॉइल सरफेस। ओके, प्री इमर्जेंस यानी कि सीडलिंग के इमर्ज होने से पहले ही क्या हो रही है, फंगस ने इन्फेक्शन करके सीडलिंग को क्या कर दिया है, किल कर दिया है। ठीक है, द सीडलिंग आर किल्ड बिफोर रीचिंग द सॉइल सर्फेस। सिंस दिस हैपन्स अंडर द सर्फेस ऑफ सॉइल द डिजीज इज ऑफन नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सरफेस, सॉइल सरफेस के नीचे ही ये काम चल रहा है, फंगस ने क्या कर दिया, सीडलिंग को सॉइल सरफेस में ही, सॉइल के नीचे ही क्या कर दिया है, किल कर दिया है। तो ये सीडलिंग ऊपर आ ही नहीं पाई तो हम ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि इतनी जल्दी ये क्या हुआ। ठीक है, बट पोस्ट इमर्जेंट फेज में हमें ये देखने को मिलता है कि धीरे, पोस्ट इमर्जेंस फेज का ये है डायग्राम। ठीक है, कि जो सीडलिंग कैसे होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, बट कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, वो उसका स्टेम कंस्ट्रक्ट होने लग जाती है और वो डेड ऑफ हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पोस्ट इमर्जेंस फेज का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, समझ गए आप, प्री इमर्जेंस फेज में कैसे होगा और पोस्ट इमर्जेंस फेज में कैसे होगा। प्री इमर्जेंस में क्या हो रहा है, सीडलिंग सॉइल सरफेस के ऊपर आ ही नहीं पा रही है, फंगस उसको वहीं पे ही किल कर दे रही है। बट पोस्ट इमर्जेंट फेज में क्या हो रहा है कि जो सीडलिंग ऊपर आई है, थोड़ा सा जर्मिनेट जो हुआ है सीडलिंग, उस पर क्या कर दिया, फंगस ने इन्फेक्शन कर दिया है और उसकी वजह से वो क्या हो जा रहा है, मर जा रहा है प्लांट। ठीक है, द इन्फेक्टेड टिश्यू अपीयर सॉफ्ट एंड वाटर सोक्ड, द स्टेम बिकम कंस्ट्रिक्टेड एट द बेस एज द डिजीज एडवांसेस एंड फाइनली प्लांट कोलैप्स। ये जो फिगर में आपको डायग्राम दिख रहा है ये इसी का ही है। ठीक है, इन्फेक्टेड एरिया, इन्फेक्टेड टिश्यू हमें कैसा दिखेगा, सॉफ्ट और वाटर सोक्ड, ऐसा लगेगा कि वहां पे क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि फंगस ने क्या कर दिया, उसको इन्फेक्ट कर दिया है, और प्लांट की जो स्टेम होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बेस से कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ने लग जाएगी, और कुछ टाइम बाद प्लांट क्या होगा, नीचे सीडलिंग गिर जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग क्या हो जा रही है, डैम्प ऑफ हो जा रही है। अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फंगस का जो ये पीथियम फंगस है उसका माइसीलियम क्या होता है, हाइलाइन होता है। हाइलाइन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हाइलाइन मींस कलरलेस, ठीक है, व्हाइट,
अगर हम व्हाइट भी नहीं बोल सकते हैं, हायलाइन मीन्स कलरलेस होता है, ठीक है। और जो उसका माइसीलियम होता है वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक है। उसमें माइसीलियम में क्या होंगे, ब्रांचेस होंगी। एसेप्टेट होगा, एसेप्टेट मीन्स उसका में जो सेप्टम है, ठीक है, जो माइसीलियम होता है उसमें जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, जैसे ऐसे ये माइसीलियम होता है, ठीक है, ये ब्रांच्ड माइसीलियम होगा। यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी माइसीलियम की, दिस इज द ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ब्रांच हो गया, ये क्या हो गया हमारा माइसीलियम हो गया इसका। अब ये माइसीलियम कैसा होगा, हाईलाइन होगा, दैट मीन्स कलरलेस होगा। और इसमें क्या होगा, ये जो सेप्टा है ऐसे करके, ये जो सेप्टा प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होंगे। बट सेप्टा कब डेवलप होंगे, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, जहां पे सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा उस टाइम पे क्या होंगे, सेप्टा डेवलप होंगे। अब यहाँ पे सेप्टा अगर हमें दिख रहे हैं इस हाइपल पार्ट में, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्ट किस में डेवलप होने वाला है, सेक्सुअल ऑर्गन में डेवलप होने वाला है, ठीक है। और जो हाइफी होता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक, जो हाइफी होता है फंगस का, जो हाइफी होगा वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, हॉस्टोरियम में। हॉस्टोरियम क्या है, एक मॉडिफिकेशन है, जब हाइफी अपने अंदर क्या कर लेती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है हॉस्टोरियम लाइक स्ट्रक्चर में, हॉस्टोरियम में, ताकि वो क्या कर सके, फूड का एब्जॉर्प्शन कर सके होस्ट में से, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली फूड का एब्जॉर्प्शन क्या कर सके, कर सके। तो ये समझ में आ गया आपको कि उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसके, नाउ सी, अब हम देखते हैं कि पीथियम में रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, ठीक है। पीथियम में रिप्रोडक्शन किन 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 तरीकों के से हो सकता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड से, ठीक है। सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है और एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करता है। अब इतनी सारी फंगस की लाइफ साइकिल हमने पढ़ ली है, अगर जिन्होंने मेरी पिछली फंगस की लाइफ साइकिल अगर पढ़ी है मेरे साथ, तो उनको पता होगा कि फंगस एसेक्सुअली कब रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, फंगस कब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर कब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत होगी, ठीक है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी उनको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब टेक प्लेस करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब टेक प्लेस करता है। सो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें फंगस का, पीटीएम का अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, तो इट टेक प्लेस बाय जूस्पोर, ठीक है, किसके थ्रू होगा, ये जूस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। और जूस्पोर किस में बनेंगे, स्पोरेंजिया में बनेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके साइकिल देखें, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी फंगल माइसीलियम है, ठीक है, ये फंगस का हाइफी है। इस हाइफी में से जब फंगस को लगेगा कि उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ठीक है, फंगस कब रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, जब उसे प्रॉपर होस्ट मिल रहा है, जब उसे प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, प्रॉपर फूड मिल रहा है, प्रॉपर एनवायरमेंट मिल रहा है ग्रो करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एसेक्सुअली ग्रो करेगा। तो ये माइसीलियम जो है, जो फंगस का जो माइसीलियम होगा, जो हाइफी होगा, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या होने लगेगा, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका, स्पोरेंजियम है और इट इज अ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस पे क्या होने लगेगा, एक वेसिकल का डेवलपमेंट होने लगेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये दिस इज द स्पोरेंजियम, या फिर इसको हम वेसिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईच स्पोरेंजियम हैज एन एपिकल पैपिला थ्रू विच स्पोरेंजियल कंटेंट आर डिस्चार्ज इनटू अ वेसिकल। Many biflagellated zoospores are formed from this vesicle. अब क्या होगा, ये vesicle में जो ये sporangia है, जो sporangium जो बना है, उसमें से उसमें क्या होगा, zoospore का formation होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये zoospore का formation हो रहा है, ठीक है, zoospore का formation हुआ। और ये क्या है, हमारी एक apical beak present होती है, this is the apical papilla, या फिर हम इसको apical papilla भी बोल सकते हैं, या फिर apical beak भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, apical पैपिला, ये हमने किस में भी पढ़ा था, ये हमने फाइटोप्थोरा के लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था कि एपिकल पैपिला या फिर एपिकल बीक के थ्रू क्या होता है, जूस्पोर क्या होता है, रिलीज होते हैं। सो वैसे ही पीथियम के लाइफ साइकिल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हाइफी होगा उस पर क्या बनेंगे, स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर बनेंगे, स्पोरेंजियम डेवलप होगा और स्पोरेंजियम में से क्या होंगे, जूस्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज होंगे। जूस्पोर कैसे होंगे, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा, बायफ्लैजिलेटेड यानी कि उसमें दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे,
ठीक है। अब जू स्पोर क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए वाटर में स्विम करेंगे। स्विम किसकी हेल्प से करेंगे, उनके पास फ्लेजिला है। अब जब फ्लेजिला प्रेजेंट है उनके पास तो वो क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। और वाटर में क्या करेंगे, वाटर किस जो लेयर होती है, वाटर लेयर में क्या करेंगे, स्विम करेंगे। और स्विम करने के कुछ टाइम बाद वो क्या कर लेंगे, अपने चारों ओर क्या बना लेंगे, एक सिस्ट बना लेंगे, एक कवरिंग बना लेंगे। उसको हम बोलते हैं एनसिस्टेड जू स्पोर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, दिस इज द एनसिस्टेड जू स्पोर। जू स्पोर ने अपने चारों ओर क्या बना लिया है, एक कवरिंग बना ली है, ठीक है। ये दिस इज द एनसिस्टेड जू स्पोर। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ठीक, फेवरेबल कंडीशन आने के टाइम पे ये जू स्पोर क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये जर्म ट्यूब बनाएगा और फिर किसमें डेवलप होगा, न्यू हाइफी और न्यू माइसीलियम बनाएगा जब उसे प्रॉपर होस्ट मिलेगा, जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। अब मान लो उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, जू स्पोर अपने चारों ओर से जो उसने सिस्ट बनाई हुई थी, एक कवरिंग बनाई हुई थी, उसमें क्या कर लेगा, कुछ टाइम के लिए उसी पीरियड में रहेगा, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या था इसमें, जो माइसीलियम था, हाइफी था, उसमें स्पोरेंजियम का डेवलप हुआ, डेवलपमेंट हुआ, स्पोरेंजियम में क्या बने, जू स्पोर बने, और जू स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे न्यू हाइफी और न्यू माइसीलियम में, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ, जू स्पोर का डेवलपमेंट हुआ, जू स्पोर ने क्या बना दिया, जर्म ट्यूब से जर्मिनेशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल, सेक्सुअल साइकिल। सी, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो पीथियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ओगैमस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, ओगैमस टाइप का। ओगैमस टाइप का मतलब कि जो मेल और फीमेल हैं, जो फीमेल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इमोबाइल होगा, ठीक है। वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा और वो इमोबाइल होगा। तो सेक्स ऑर्गन्स जो डेवलप होंगे इन द केस ऑफ पीथियम, दे ये किस में डेवलप होंगे, हाइफी में डेवलप होंगे। हाइफी में कैसे होंगे, जो हाइफी होगी उसमें क्या होगा, सेप्टम का डेवलपमेंट होगा और एंट्रीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट होगा। बट दे मे बी होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक। जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हिट्रोथैलिक भी हो सकते हैं। होमोथैलिक हिट्रोथैलिक का क्या मतलब हो गया, सिंपल सा मतलब है कि होमो मीन्स सेम, थैलिक मीन्स थैलस। जब सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट सेम थैलस से होगा, ठीक है, सेम थैलस से, ये सेम थैलस है, इसमें से जब सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोथैलिक। और हेटरोथैलिक किसको बोलेंगे, हेटरो मींस डिफरेंट, ठीक है। एक थैलस से मान लो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ और दूसरे थैलस से किसमें किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ओगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा है, और उन दोनों में जब फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हिट्रोथैलिक, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया, होमोथैलिक एंड हिट्रोथैलिक। सो जो सेक्स ऑर्गन जो पीथियम में बनते हैं वो होमोथैलिक भी बन सकते हैं या फिर हिट्रोथैलिक भी हो सकते हैं। और जो एंथ्रीडियम और ओगोनियम का फिर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, हाइफी क्या होगी, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर उसने ओगोनियम बनना है तो, और एंथ्रीडियम में बनना है तो वहां पे क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियस एक्यूमुलेट होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे फंक्शनल रहेंगे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फंक्शनल रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाते हैं। सेम केस ओगोनियम में भी देखने को मिलता है कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओगोनियम के जितने भी मल्टी न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। और वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ फीमेल गैमेट, दैट इज एग की तरह बिहेव करेगा और फ्यूजन करेगा, ठीक है। जो ओगोनियम में जो ओगोनियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये ठीक है, आउटर पार्ट, आउटर प्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्म, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरीप्लाज्म। और जो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला साइटोप्लाज्म, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ओप्लाज्म, ठीक है। जो ओगोनियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसमें डिवाइडेड हो जाता है, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं टू कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म, यानी कि जो साइटोप्लाज्म पेरीफेरल में प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं ओप्लाज्म। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे मैच्योर ओगोनियम का स्ट्रक्चर है, यानी कि जहाँ पे हमें पेरीप्लाज्म और ओप्लाज्म दोनों डिफ्रेंशिएटेड दिखेंगे तो हमें
ये क्या एक आइडिया देता है कि जो ये ऊगोनियम है दैट इज द मेच्योर ऊगोनियम, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा थ्रू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से क्या होगा, मेल न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। फ्यूजन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और ओस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद क्या होगा, ओस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। ओस्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। ओस्पोर अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर दे जर्मिनेट, व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई इट जर्मिनेट बाय अ जर्म ट्यूब इनटू अ माइसीलियम। अब जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो ओस्पोर क्या करेगा, डायरेक्टली किस में जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब के थ्रू न्यू सोमेटिक हाइफी में क्या कर लेगा, जर्मिनेट हो जाएगा, डेवलपमेंट करेगा सोमेटिक हाइफी का। बट एट लो टेम्परेचर ये जो ओस्पोर हमारा रिलीज हुआ था, अगर वो लो टेम्परेचर है तो उस टाइम पे क्या करेगा, ओस्पोर जर्म ट्यूब को ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। जर्म ट्यूब का जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड इट फॉर्म अ वेसिकल एट इट्स टॉप, और अपने टॉप में क्या बना लेगा, ज़ूस्पोर एक वेसिकल बना लेगा, और उस वेसिकल में फिर क्या होता है, इनसाइड द वेसिकल मेनी ज़ूस्पोर आर डेवलप। ओस्पोर क्या करेगा, अगर उसे लो टेम्परेचर मिल रहा है तो अपने ऊपर वो क्या बना लेगा, एक यहाँ पे से ये जो ज़ूस्पोर है ये जर्म ट्यूब यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा कब, जब टेम्परेचर क्या है, लो है। जब टेम्परेचर क्या है, हमारा टेम्परेचर लो है, तब यहाँ पे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तब क्या होगा, ये ओस्पोर के ऊपर क्या बन जाते हैं, एक वेसिकल बन जाएगी ऐसे करके, और उस वेसिकल में क्या होंगे, बहुत सारे हमारे क्या होंगे, ज़ूस्पोर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये यहाँ पे ऐसा करके वेसिकल बनेगी, और उन वेसिकल में क्या होगा, ज़ूस्पोर्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और फिर वो ज़ूस्पोर क्या होंगे, रिलीज होंगे। वो ज़ूस्पोर कैसे होंगे, बाइफ्लेजिलेट होंगे, और वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। और फिर जब वो रिलीज होंगे प्रॉपर किसी सबस्ट्रेट में, किसी होस्ट में जब वो पड़ेंगे, तब क्या करेंगे, वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तब जर्म ट्यूब डेवलप करेंगे, हाइफी बनाएंगे और माइसीलियम बनाएंगे। ये समझ में आ गया कि हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे, ओस्पोर क्या करेगा, डायरेक्टली जर्म ट्यूब बनाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, नया सोमेटिक हाइफी बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा और अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेगा। बट अगर लो टेम्परेचर क्या होगा, ये जो ओस्पोर है वो क्या करेगा, एक वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा, और उस वेसिकल के अंदर कि जो न्यूक्लियस होगा वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब लो टेम्परेचर आएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, वो तब क्या होगा, ज़ूस्पोर रिलीज होंगे, और फिर वो क्या करेंगे, किसी सबस्ट्रेट में अगर पड़ेंगे तो हाइफी का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, और न्यू माइसीलियम का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक। ये तो थी हमारी पीथियम की लाइफ साइकिल, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप मेरी वीडियो से कुछ नया सीख के गए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए आपको समझ में आई है या नहीं आई है, या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ ना कुछ तो सीख कर गए होंगे, कुछ तो सीखा ही होगा नया, कुछ ना कुछ, ठीक है। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।